हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता चल ही चुका होगा कि रॉयल खान यूनिवर्सिटी की जो यूजी और पीजी रेगुलर प्राइवेट यानी कि बीए बीएससी बीकॉम और एमएससी एमकॉम की जो परीक्षाएं 11 जून से प्रस्तावित थीं उन परीक्षाओं को टाल दिया गया है। ये परीक्षाएँ अब 11 जून से नहीं हो पाएंगी। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं कल ही ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ। यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 11 जून तक कर दी है, ठीक है, जिस वजह से ये परीक्षाएं अब आपकी 11 जून से स्टार्ट नहीं हो पाएंगी और 12 जून तक सभी स्टूडेंट्स को अपना परीक्षा फॉर्म कॉलेज में सबमिट करना होगा। जिनके परीक्षा फॉर्म कॉलेज में सबमिट करने के लिए, ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जिन्होंने अपना परीक्षा फॉर्म फिल नहीं किया है। बाकी परीक्षाएँ तो 11 जून से नहीं हो पाएंगी। और अब हम बात करेंगे कि अब आपके जो एग्ज़ाम है वो आखिर कब से स्टार्ट हो पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स लगातार यही जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, जो ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, जिस डेट से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होना है वो आपको तभी पता चल पाएगी जब यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करेगी, यानी कि यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम स्कीम जारी करेगी। आपकी एग्जैक्ट डेट तभी पता चलेगी जब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आप मानकर चलिए कि जो परीक्षाएं हैं वो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगी, 10 से 15 दिन आगे पहुंच सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगी। इसलिए आप अपनी परीक्षाओं की जो तैयारी है बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिए। परीक्षाएं जो हैं यानी कि आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो ज़्यादा आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। मानकर चलिए आपकी आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 20 जून या फिर 25 जून के आसपास स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो आप मानकर चलिए कि 10 से 15 दिन का यहाँ पर आपको और समय मिल गया है अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स लगातार ऐसी मांग भी कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी आ गई है, सो फाइनली लीजिए, यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम डेट चेंज कर दी है। और जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हो पाए हैं वो कृपया करके अपने एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल कर लें। और यहाँ पर अब आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए 1000 यानी कि 1000 रुपये की लेट फीस भी देना होगी। कुछ यहाँ पर कोर्स ऐसे हैं जिसकी सिंगल सब्जेक्ट या फिर स्पेशल परमिशन का जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसमें आपको 500 यानी कि 500 रुपये लेट फीस देना होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी सेंटर लिस्ट और एडमिट कार्ड आते हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको लाइव दिखाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।